छत्तीसगढ़ में 15 साल के शासन के बाद 15 सीटों पर सिमटना भाजपा के लिए बेहद ही एक सोचने वाला विषय है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कैंपेनिंग कर रही है, उससे भाजपा का उत्साह देखते ही बनता है। ऐसा लगता ही नहीं कि भाजपा विधानसभा में सिर्फ 15 सीटों पर सिमटी है, क्योंकि भाजपा यह लगातार दावे कर रही है कि वो इस बार के लोकसभा सीटों में 11 से 11 सीटें हासिल करेगी। बिलासपुर एक ऐसी सीट है जहां हमेशा से ही भाजपा बहुमत में नजर आती रही है। पिछले 23 वर्षों से यहां पे भाजपा काबिज है। यहां तक कि जब कांग्रेस सरकार में रही, उसके बाद ही भाजपा ने यहां जीत हासिल की। भाजपा में किस तरह का माहौल है और किस तरह यहां की सीट को लेकर भाजपा ये दावा कर रही है कि वो इस जीत को हासिल करेगी, उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी हैं। धरमलाल कौशिक जो खुद बिल्हा विधानसभा से विधायक हैं, ऐसा माना जाता है कि जब भी बिल्हा सीट कोई जीतता है तो लोकसभा में भी उसका असर देखने को मिलता है। तो सीधे नेता प्रतिपक्ष से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार प्रदेश में किस तरह के हालात रहेंगे। जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे और विधानसभा चुनाव में एक तरह से हार मिली तो भाजपा को काफी निराशा हुई और बीच में एक बयान आया कि कार्यकर्ताओं की वजह से हारे, तो कार्यकर्ताओं का भी काफी आक्रोश था। तो ऐसा लगा नहीं कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल पे एक उठाराघात है? कार्यकर्ता बीजेपी के प्राण है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। निश्चित रूप से 3 बार हम सरकार में रहे, इसमें कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज भी कार्यकर्ता के दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जो हमें सफलता मिलेगी उसमें उनका अमूल्य योगदान और ये एक पहचान कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए इसमें कहीं इस बात को लेकर के कि कार्यकर्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और आज यदि सरकार में है, दूसरी तरफ हम यदि संगठन की बात करें, हमारा आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में यदि एक नंबर की पार्टी है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का मेहनत है, वो जिसमें उन्होंने परिश्रम किया, परिश्रम के कारण उनके ये परिणाम आए कि पूरे देश में एक नंबर की यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और सरकार के दृष्टिकोण से हम यदि बातचीत करेंगे तो केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार 2014 में बनी, 2014 में 6 सरकारें हमारी भारतीय जनता पार्टी की थी और लगातार हम आप देखेंगे कि सरकारों की संख्या हमारी बढ़ती गई और आज भी 17-18 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे यदि कोई ताकत है तो वो कार्यकर्ता है। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो जिस तरह से लगातार आपने 15 वर्ष शासन किया और उसके बाद इस तरह के नतीजे आना, लोकसभा में कहीं उत्साह की कमी, उत्साह को कम करता है? कहीं उत्साह की कमी नहीं है। आप देख रहे हैं कि जहां भी आप जाएंगे पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं और उसके साथ ही साथ में मतदाता ये मान करके सोच करके ये तय करके रखे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को पुनः इस बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें जहां कार्यकर्ता की भूमिका है, जनप्रतिनिधियों की भूमिका है और जो पार्टी की भूमिका है, अपने प्रत्याशी को लेकर के सभी जनसंपर्क कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ में निरंतर उत्साह का एक वातावरण पूरे प्रदेश में आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बातें सामने आई कि विधानसभा चुनाव हारे हैं तो चेहरों को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी थी, पार्टी को लेकर नाराजगी नहीं थी, क्या यही वजह थी कि पूरे के पूरे 11 सांसदों की टिकट काट दी गई? उनके चेहरे को लेकर के नाराजगी की वजह से कोई टिकट नहीं काटी गई है, बल्कि पार्टी ने एक निर्णय लिया, ये तय किया कि यदि हम चेहरा बदलते हैं, नए चेहरे देते हैं तो उसका क्या परिणाम आएगा। और नए चेहरे यहाँ पर दिए गए, आज भी मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी उत्साह से लोग पूरे प्रदेश में इस चेहरे को लेकर के है, एक वातावरण का निर्माण हुआ है और निश्चित रूप से चुनाव का परिणाम भी अपेक्षित हमारे परिणाम आएंगे, क्योंकि जहाँ हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं उनके कहीं कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। और जहाँ तक एंटन के मेसी की बात है तो प्रत्याशी को लेकर के आप देखेंगे कहीं इस प्रकार की बातें नहीं हैं। मुझे लगता है कि इसका एक जो सार्थक पहल किए हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा हमको दिखाई देगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो सीनियर लीडर भी थोड़ा बहुत नाराज दिखाई दिए जो कि टिकट चाहते थे, लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पे जब नए चेहरों की बात सामने आई, नए चेहरे निकल कर आए तो कहीं ना कहीं नाराजगी दिखी, चाहे रायपुर की बात हो चाहे अन्य संसदीय क्षेत्रों की बात हो। देखिए आप लगातार जहाँ रायपुर की बात है, बाकी जगह की बात है, जो हमारे सांसद रहे हैं, आज है हमारे सांसद हो,
पार्टी के प्रत्याशी जिनको भी घोषित किए हैं सभी लोग उनके चुनाव कैंपेनिंग में लगे हुए हैं और सभाएं में जा रहे हैं, सम्मेलन में अभी विधानसभा के गए हैं और उनके साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक पहचान है कि पार्टी का जो निर्णय हो गया उस निर्णय को स्वीकारिता उसकी होती है और आज इतने बड़े संख्या में जो फेरबदल हुए उसके बाद पार्टी में उसकी जो स्वीकारिता हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है कि वर्षों पुराने समय तक वर्षों काम करने वाले कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, अनेक दायित्वों को निर्वहन करने वाले कार्यकर्ता जब पार्टी ने निर्णय लिया कि इस बार चेहरे बदले जाएंगे, प्रतिक्रिया आप लोगों ने लिया है, सबका सकारात्मक प्रतिक्रिया आया और सब इस बात को तय करके रखे कि जिस लोकसभा के वो सांसद है वहाँ पर उनका पूरा कोशिश होगा, पूरा प्रयास होगा कि वो प्रत्याशी जीत करके आए, सांसद बने, यही हमारी पहचान है। और जिस तरह से नेशनल लेवल पर भाजपा दामाद को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही थी वैसा ही कुछ अब छत्तीसगढ़ में हो गया है। कांग्रेस ने भी एक दामाद को खोज लिया है और लगातार उस पर टिकट टिप्पणियां, घोटाले के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, FIR लगातार बातें चल रही हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं से भाजपा की छवि धूमिल हो रही है। देखिए ये तो जब कोर्ट में मामला जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन से प्रदेश में सरकार आई है किसी न किसी मामले को लेकर कोई ना कोई आरोप लगाने का उन्होंने प्रयास किया है। इसी तारतम्य में आप देखे हैं कि बहुत सारे जो कमेटी भी बनाई गए और उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी घबराने वाले नहीं हैं। सारे परिस्थितियों में हम सामना करने के लिए तैयार हैं। यदि हमारा काम अच्छा है, हमने किया है, निश्चित रूप से कोई याच नहीं आएगी। ये झूठा प्रकरण जितना बना ले, झूठे जितना उसको बदनाम करने का प्रयास करें, लेकिन जब कोर्ट में जाएंगे तो ये सारे मामले, हमको पूरा विश्वास है कोर्ट के ऊपर में कि जो सामने है सच्चाई आएगी और उसमें न्याय होगा। और ट्विटर पे जंग चल रही है, एक तरफ भाजपा के लोग चौकीदार बनने की होड़ लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस जो है वो अपने आप को छोटा आदमी कह रहे हैं। कुछ ऐसा ही बयान आया था भाजपा का जिसके बाद अब सारे कांग्रेसी अपने आप को छोटा आदमी कहने लगे हैं। तो ये जो ट्विटर की जंग है ये फायदा पहुंचा रही है या नुकसान? ये फायदे और नुकसान की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है उसका नकल कांग्रेस कर रही है। यदि मोदी जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूं तो इनको लगा कि हम भी छोटा आदमी बोल देंगे तो इसको स्वीकार कर लेंगे तो छोटा आदमी का लाभ मिल जाएगा। छोटा आदमी बनने और बड़ा आदमी बनने का इसका नहीं है। आपके जो कार्य है, आपके व्यवहार है, आपके दिनचर्या है, उसको सब लोग देख रहे हैं कि आप अंदर से कितना छोटे हैं और कितने बड़े हैं, आपके मन कितना छोटा है और कितना बड़ा है। आदमी छोटा और बड़ा नहीं है। आपको यदि दायित्व दिया गया है, लोगों ने यदि भरोसा किया है तो आपका मन बड़ा होना चाहिए, दिल आपका बड़ा होना चाहिए। मन और दिल यदि छोटा है तो वो भी जनता देख रही है और जनता इसको तय करेगी कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है और किसके दिल में कितना जगह है, ये बात को भी जनता तय करेगी। पहले चरण के चुनाव के ठीक एक दिन पहले जिस तरह से बस्तर में जो बात सामने आई आपके विधायक भीमा मंडावी की शहीद हो गए वो एक नक्सली हमले में, उसको लेकर अब ये मांग चल रही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है और CBI जांच करनी चाहिए। तो CBI जांच करने के पीछे की वजह क्या है? क्या ऐसा लग रहा है कि इसमें वाकई में कोई राजनीतिक पार्टी शामिल हो सकती है जिस तरह से घटना हुई है? देखिए राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है इसमें, हम ये बोल रहे हैं कि आखिर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र विधायक थे वो, उसको पिछले दिन ही उस गांव में गए थे, उस दिन उस गांव में किसी ने फ़ोन करके बुलाया ऐसी सूचना है और उसके बाद में विस्फोट हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें साजिश है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। साथ ही साथ में यदि इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की जाए तो क्या गलत है? CBI यदि जाँच करे तो CBI जांच करे तो जो तथ्य है वो सामने आएंगे, जो विटनेस है, जो गवाही, जो साक्ष्य लेंगे और उसी आधार पर उसका जो सारे पर्दाफाश होंगे। केवल एक मामला नहीं, मैं तो दूसरे मामला के भी इसमें हवाला में बात कर रहा हूँ कि आप मरवाही क्षेत्र के कुम्हारी गांव जहाँ पर वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता की जो हत्या हुई है और पुलिस के कस्टडी में, पुलिस के अभिरक्षा में कि रिपोर्ट करने वाले प्रार्थी थे, प्रार्थी को ही थाना बुलाया गया, रात को उनके साथ मारपीट की गई, रात को उनको थाना में बैठाया गया, दूसरे दिन कोर्ट में 12 बजे कोर्ट में पेश किया, तहसीलदार कहीं चले गए, 4 बजे तक बैठाए रहे, उनकी जमानत नहीं हुई, पुलिस से स्वयं लेकर के उनको जब हालत बिगड़े
तब बीएमओ के पास गए, वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बताया गया कि उनके हालत ठीक नहीं है, यह इलाज संभव नहीं है। तब सेनेटोरियम ले गए, सेनेटोरियम में बताया कि आप इसको सिम्स ले जाइए। तब सिम्स ले करके आ रहे थे, उनकी जमानत भी नहीं हुई है। और उसमें पेपर में मैंने पढ़ा कि फर्जी दस्तावेज तैयार के लिए फर्जी दस्तखत कर दिए और उसके बेल में बता रहे हैं। ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो घटना को तोड़ने मरोड़ने का जो प्रयास किया गया है, और ऐसे में उनके ऊपर कौन विश्वास करेगा कि सच्चाई उसमें सामने आएगी। न्याय यात्रा ये निकाल रहे हैं, न्याय की मांग हम कर रहे हैं कि जो वो मृतक परिवार है, वो पंडित जी के परिवार को न्याय मिलने चाहिए, हम मांग करते हैं। जो हमारे भीमा जी, हमारे मंडावी जो उस क्षेत्र के धाकड़ विधायक थे, जिन्होंने बहन कर्मा जैसे नेता को हरा करके आए, देहूती कर्मा उनके पत्नी को हरा करके आए, और एकमात्र उस लोकसभा चुनाव में जो रोड़ा थे वो भीमा मंडावी थे, कि इसलिए हम लोग को इस बात की शंका होती है कि इसकी निष्पक्ष यदि जांच की मांग की जाए तो क्या गलत है, और निष्पक्ष यदि जांच होती है तो उस परिवार को न्याय मिले, यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं। इसमें गलत कहां पर बोल रहे हैं। अब जब भाजपा का शासन था तो ये लगातार कांग्रेस की तरफ आरोप लग रहा था कि अफसर शाही हावी है, अफसर ही चला रहे हैं नेताओं को और जनता की सुनी नहीं जा रही है। और अभी जब से नई सरकार बनी है तब से लगातार देखा जा रहा है कि आईएएस हो या आईपीएस हो, एक के बाद एक कंटिन्यू एफआईआर दर्ज हो रही है। इसमें क्या देख रहे हैं, ये क्या लग रहा है कि नहीं वाकई में ये अधिकारी दोषी हैं, इसलिए इनके खिलाफ जुर्म दर्ज किया जाए, या फिर जो बातें पहले हो रही थी कि नहीं अफसर शाही हावी है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप है अफसर के ऊपर की भाजपा के लिए और कुछ खास लोगों के लिए काम करते थे, उनकी वजह से उनको ये सब झेलना पड़ रहा है। देखिए, इस विषय में मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस सरकार कोई भी है, सरकार आने के बाद में अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये सरकार जब से आई है तब से शायद पता नहीं किस बात का प्रतिशोध लेना चाहती है। आप देखेंगे कि एक एक अधिकारी का दो दिन में तीन दिन में ट्रांसफर आप देखे हैं, एक एक अधिकारी का तीन तीन बार पोस्टिंग हुआ है। अरे भाई, आपको अधिकार है ट्रांसफर करने का, आप उसको विचार करके कर लीजिए। बहुत सारे इसमें प्रसंग आए, इस बात को विधानसभा में उठाए, सीनियरिटी जूनियरिटी का ख्याल नहीं रखा गया, उसके साथ ही साथ में इस प्रकार के अनेक ऐसे फैसले आए हैं, और जिस बात को स्वयं बोलते हैं उसका भी पालन नहीं होता, तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से दबावपूर्वक या इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उंगली उठ रही है, मुझे लगता है उसमें बचना चाहिए और स्वच्छ प्रशासन हो, हम तो इसकी कल्पना करते हैं। लोगों की अपेक्षाएं भी रही है और इसीलिए इतने मेजॉरिटी से उनको जिताया है, लेकिन मेजॉरिटी से जिताने के बाद में उस प्रकार के शासन आपको व्यवस्था जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें अभाव दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भाजपा नेताओं को आईना भेज रही है, भाजपा भी क्या कुछ ऐसा कुछ करने जा रही है, किस तरह से कांग्रेस को जवाब दे रही है? हमको आईना भेजने की जरूरत नहीं है। 2014 का मैं बता देता हूं, जब 2014 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस नख से सीख तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए थे, और उसमें आकाश से लेकर के जमीन से लेकर के आकाश के तरंगों तक जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले आए, आज भी उनके नेता कोई जेल में तो कोई बेल में, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बेल में, और इस प्रकार के मामले रहे, हमको क्या आईना दिखाएंगे। आईना देखने के लायक खुद नहीं बचे हैं, बल्कि अपने चेहरे को देखना चाहिए कि कितना वो साफ है। दूसरी बात, जो घोषणा पत्र जारी किए, जिसके बलबूते पर जीत करके आए, और जीतने के बाद में जो 36 बिंदु रखे, उस 36 बिंदु पर जो शराबबंदी की बात आई कि शराबबंदी करेंगे, मैं आज सब लोगों से पूछ रहा था शराबबंदी हुई क्या, तो लोगों ने कहा कि 10 रुपए और 20 रुपए और बढ़ा दिए, उसके बल पे वो सरकार चलाना चाहते हैं। उसके साथ ही साथ में यहाँ पर जो कर्जे की बात आई थी, उस समय ये नहीं हुआ कि हम केवल एक बैंक का कर्जा माफ करेंगे, अल्पावधि का कर्जा माफ करेंगे, आज किसानों को नोटिस भेज रहे हैं। किसान में इस बात को लेकर के बड़ी नाराजगी है, जो मध्यमकालीन दीर्घकालीन ऋण लिए हैं उस बात को लेकर के किसानों में आक्रोश है, और उसके साथ में बिजली हाफ की जो बात आई है, बिजली बिल के, तो बिजली बिल हाफ नहीं है बल्कि बिजली हाफ हो गया है। आप किसी भी गांव में जाएंगे तो देखेंगे तो लाइट नहीं है, भोजन का समय हुआ तो लाइट बंद हो जाएगी, और ऊपर से उनको अभी नोटिस दे रहे हैं कि आपका इतने का बिल है, आपका इतने का बिल है। तो बिजली बिल हाफ नहीं हुआ, ये जरूर हुआ कि बिजली हाफ हो गई,
और जो बिजली किसानों को मिलते थे, जो बिजली ग्रामीणों को उपभोक्ताओं को मिलते थे, उसमें कटौती कर दी गई है। तो आईना किसको देखना है, ये खुद सरकार को तय करना है कि आपने कहा क्या, आपने कहा किया क्या, आपके कथनी और करने में क्या अंतर है। यदि आईना में देख लेंगे तो इस बात को मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आपको पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो एक विपक्ष के नेता के तौर पे अगर हम ये आपसे पूछें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो कौन से मुद्दे हैं जिनके दम पर आप लोकसभा चुनाव को जीतने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, इस लोकसभा के चुनाव में ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिसमें इस देश के मान और सम्मान और इस देश की सुरक्षा, जिस प्रकार से मोदी जी ने ये 5 वर्ष के कार्यकाल में बता दिया है कि यदि ये आज हमारे सीमाएं सुरक्षित है, मनोबल लोगों को बढ़ा हुआ है हमारे, तो उसमें मोदी जी का कहीं न कहीं उनकी शासन व्यवस्था, उनकी नीति, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी तरफ इस देश में गाँव में जहाँ बिजली नहीं थी, बिजली पहुँचाने का काम, उन गरीब के घरों में जहाँ अंधेरा है उसको रोशनी करने का काम, जहाँ पर सड़क नहीं है वहाँ पर सड़क के लिए योजना बनाई गई है, सड़क बनाने का काम, और उसके साथ ही साथ में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जिनके सर के ऊपर में छत नहीं है, ऐसे एक बड़ी योजना बना करके 2022 तक हर व्यक्ति के घर परिवार को एक मकान पक्के का मिल जाए, उज्ज्वला गैस योजना, किसानों के आय को दुगनी करना 2022 तक, और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक स्वच्छता का जो वातावरण बना है, आज पूरा हिंदुस्तान गंदगी से मुक्त होने की ओर अग्रसर है, और जिस प्रकार से मानसिक रूप से लोग तैयार हुए हैं, जन भागीदारी इसमें निभाए हैं, कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मैं यदि बात करूँ तो जिस प्रकार से राज्य में सरकार आने के बाद में इस छत्तीसगढ़ को इतने अल्प अवधि में एक 12,000 करोड़ का लोन, और उसके साथ में आप देखेंगे कि वेतन के लाले पड़ गए हैं, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, 31 मार्च को लगभग 5-6 हजार करोड़ रुपए के बिल लगे थे ट्रेजरी में, सारे विभाग के लोग जहां पर काम किए हैं उनके अदा करने के लिए, लेकिन मुश्किल से 500 करोड़ रुपए का बिल का वहाँ पर ट्रेजरी ने स्वीकृत किया है, बाकी सब 5-6 हजार करोड़ रुपए अस्वीकृत हो गए। सर्वर डाउन, 15-20 दिन से कोई सर्वर डाउन रहेगा, वो भी ट्रेजरी में, वो भी वित्त वर्ष के अंतिम दिन में, इसका मतलब ये है कि आपका खजाना खाली हो गया है, आपके खजाने में पैसे नहीं है। तो वो ये तो आरोप लगाते रहते हैं कि आपने खजाना खाली कर दिया। हमने तो अपना हिसाब बताया है कि हमने कितना कर्जा लिया है, और जिस दिन डॉक्टर रमन सिंह थे, इस 15 साल में एक दिन वेतन के लाले नहीं पड़े हैं। विकास कार्य के लिए जो पैसे दिए हैं, उनके सरकार में रहते हुए जो पैसे दिए, वो पैसे भी सरकार ने उसको ड्रा कर लिया। आज कोई काम पंचायत में नहीं चल रहा है, सारे पंचायत में लोगों में आक्रोश है इस बात को लेकर के कि इस पंचायत कहीं पर रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग पलायन किए हैं ये सरकार के आने के बाद में, और छत्तीसगढ़ कंगाली की दिशा में अग्रसर है। प्रदेश में कांग्रेस को जिताया है तो छत्तीसगढ़ कंगाल हो गया, यदि केंद्र में जिताएंगे तो ये देश कंगाल हो जाएगा, इसलिए कोई नहीं चाहते इस देश के कंगाली। जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक रूप से हमारी संपन्नता आई है, 2014 में 11वें हम आर्थिक रूप से जहां पर खड़े हुए थे, आज हम 6वें पायदान पर हम पहुंच गए हैं और 5वें पायदान की ओर हम अग्रसर कर रहे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है कि आर्थिक रूप से देश को मजबूत करना, सामरिक रूप से इस देश को मजबूत करना, और इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करना, जिससे इस देश में खुशहाली आ सके। ये आज के प्रधानमंत्री, जो कल के भी प्रधानमंत्री होंगे, ये नरेंद्र मोदी के हाथों में ही सुरक्षित है। अभी तक जो लोकसभा के चुनाव हुए छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, उसमें केंद्र के नेताओं के साथ साथ एक स्थानीय नाम भी होता था रमन सिंह का। रमन सिंह के चेहरे पे भी आप लोग लोकसभा चुनाव लड़े हैं, और नतीजा ये आता था कि 11 में से 10 सीटें आती रही हैं और एक सीट आपने गंवाई है। इस बार कोई स्थानीय चेहरा नहीं है लोकसभा में आपके साथ, एक राष्ट्रीय चेहरे को लेकर ही आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी सीटें आने की उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक स्थानीय और राष्ट्रीय चेहरे की बात है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और इसके साथ में हमारे डॉक्टर रमन सिंह लगातार 11 लोकसभा में कैंपेनिंग कर रहे हैं जैसा पहले करते थे।
आज भी जा रहे हैं चुनाव में, सघन जनसंपर्क में है, चुनाव के आम सभा को संबोधित कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम 11 के 11 लोकसभा हम सीट जीतेंगे। अनुकूल स्थिति है, आप जहां भी जाएंगे गांव में पूछेंगे तो हर हर मोदी घर घर मोदी, ये लोगों के बीच में स्वीकारिता है और मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के धरमलाल कौशिक, जो कि बिलासपुर के बिल्हा से विधायक हैं और इस वक्त बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाले हुए हैं, गांव-गांव में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरह से बातचीत हुई है इनसे हमारी, हमने सवाल पूछे हैं जो शायद इनको चुभे हों, लेकिन बेबाकी से जवाब देते हुए इन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पहले अपने आप को देखे, उसके बाद फिर वो भाजपा को देखे। तो जाहिर सी बात है, धरमलाल कौशिक का आरोप है कि नई सरकार बनने के बाद से की स्थितियां बिगड़ी हैं, जबकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाजपा ने स्थिति बिगाड़ी थी जिसकी वजह से उनको काम करने में परेशानी हो रही है। तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप के बीच भाजपा का चुनावी कैंपेन लगातार जारी है और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का यह दावा है कि भले ही वो विधानसभा चुनाव में हार गए हों, लेकिन जिस तरह से फिलहाल एकजुट होकर पार्टी काम कर रही है, इस लोकसभा चुनाव में वो पिछली बार से भी कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन उमेश मौर्य के साथ मनोज सिंह, IBC24 बिलासपुर।